is about power relation between the two people and how the domination happens from the powerful to the somebody who has less power, and how the somebody who has less power finally pushes back. वेलकम टू कल्चर वल्चर। आज हम बात करने वाले हैं एक नेटफ्लिक्स की फिल्म अजीब दास्तान के बारे में। सो अजीब दास्तान इज अ फिल्म विच इज कंप्राइज ऑफ फोर स्टोरीज। ओके, और जो एक कॉमन थीम लगी मुझे इस फिल्म में वो है द रिलेशनशिप बिटवीन द ओप्रेसर एंड द ओप्रेस्ड। सो बेसिकली हर रिलेशनशिप में, कोई भी रिलेशनशिप हो, उसमें एक पावर रिलेशन होता है। वो एक पावर इम्बैलेंस होता है उसमें, कि कोई ज़्यादा पावरफुल होता है और कोई ज़्यादा कम पावरफुल होता है। आप इसको मैक्रोस्कोपिकली देखोगे तो ये हमारी सोसाइटी में एज अ क्लास डिफरेंस दिखता है कि सोसाइटी में कुछ लोगों के पास बहुत पैसा और रसूख होता है और कुछ लोगों के पास नहीं होता। सो बेसिकली बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स, ये आपको क्लास डिफरेंस में दिख सकता है। ये आपको उसी तरह से कास्ट में भी दिख सकता है, कास्ट डिफरेंस में दिख सकता है, और भी कई तरीके से दिख सकता है। जैसे कि कोई अगर एबल है और कोई स्पेशली एबल्ड है, उसके रिलेशनशिप में भी आपको देख सकता है कि कि ये पावर रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये जो फिल्म है ये उस बारे में है। ये फिल्म है कि कैसे जो पावर रिलेशन में कि जो जो पावरफुल होता है वो कम पावरफुल को कैसे डोमिनेट करता है, और कैसे जो डोमिनेटेड होता है वो उससे फिर बाद में पुश बैक करता है। तो ये फिल्म उस बारे में, आप पहली दो स्टोरीज देखोगे तो वो इसी बारे में। पहली स्टोरीज में क्या होता है कि एक दिस अ पर्सन हु इज इवन दो वेरी हाईली एजुकेटेड हैड टू कम एंड वर्क फॉर हिज लैंडलॉर्ड बिकॉज हिज लैंडलॉर्ड वांटेड हिम टू। सो दिस पर्सन, बिकॉज हिज फादर हैड वंस बीन बीटन बाय द लैंडलॉर्ड, ही हैज दिस इन माइंड टू टेक रिवेंज फ्रॉम द लैंडलॉर्ड, एंड ही डज दैट बाय हैविंग अफेयर विद द लैंडलॉर्ड्स वाइफ एंड इन दी एंड स्टीलिंग मनी फ्रॉम हिम एंड मेकिंग हिज लैंडलॉर्ड्स वाइफ प्रेगनेंट एंड ही लीव्स विद दैट। जो रिलेशनशिप होता है पावरफुल का और जो पावरलेस होता है, उसमें जो पावरलेस के पास लड़ने की जब वो लड़ता है तो वो हमेशा से, जरूरी नहीं कि बहुत ही हमें एक फेयर और मोरलिस्टिकली हम उसको फेयर तरीके से देखें कि वो फेयर तरीके से लड़ रहा है, कि वो सामने जाके गली घर के बाहर जाके बोल रहा है कि तुझसे मैं लड़ूंगा। नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा, वो स्लाई तरीके से लड़ता है, वो थोड़ा क्लेवरली लड़ता है, जिसको हम हमेशा एथिकल नहीं बोलेंगे। दूसरी चीज पॉइंट फिल्म जो है वो भी इसी बारे में कि एक औरत है जो, और उसकी छोटी बहन है जो घर जा जा के कई लोगों के यहाँ काम करती, सो दैट दे कैन सर्वाइव, दे हैड टू वर्क फॉर समबडी सो दैट उनके घर की इलेक्ट्रिसिटी आ जाए। भले उनको पता है कि वो आदमी बहुत अच्छा नहीं है, तो वो जो आदमी होता है वो उसको अब्यूज़ करने की कोशिश करता है, उस लेडी को, अपनी हाउसमेट को, वो भी उसको बर्दाश्त करना पड़ता है। बट एक छोटा बच्चा जो होता है, जो उसकी छोटी बहन होती है, वो उसको कैसे इंटरनलाइज कर लेती है, वो एक क्लास डिफरेंस को, ये सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है सेकंड शॉर्ट स्टोरी में। बच्ची होती है, उसकी बहन होती है, उसको बहुत तगड़े तरीके से इंटरनलाइज कर लेती है। उसके अंदर भी एक तरह से एंगर है टुवर्ड्स दिस क्लास डिफरेंस, बट वो उसको किस तरह से निकालती है। जैसे कि आपने एडल्ट्स को देखा होगा कि मतलब अगर उनको अब्यूज कर दिया जाता है बिकॉज ऑफ देयर बींग फ्रॉम अ डिफरेंट स्टेट ऑफ सोशल क्लास, तो वो अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। बट एक बच्चा किस तरीके से रिएक्ट करता है, दैट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ दिस फिल्म। एंड आई थिंक यू हैव टू वॉच इट टू, आई थिंक यू शुड वॉच इट टू नो रियली, आई डोंट वॉन्ट टू किल दिस पॉइंट्स फॉर यू। द नेक्स्ट शॉर्ट फिल्म इज इट्स अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू वीमेन, एंड वन इज अदिति राव हैदरी हु इज अ मैरिड ब्राह्मिन वुमेन, एंड दी अदर इज कोंकणा सेन शर्मा हु इज अ दलित वुमेन। सो दे बोथ आर इन अ रिलेशनशिप। कोंकणा सेन शर्मा इज ऑल्दो एजुकेटेड हैड टू वर्क अ ब्लू कॉलर जॉब बिकॉज ऑफ अ कास्ट, एंड अदिति राव हैदरी बींग अ ब्राह्मिन वुमेन शी कुड गेट अ डेस्क जॉब अ वाइट कॉलर जॉब जस्ट बिकॉज शी इज अ ब्राह्मिन इवन दो शी इज लिटिल लेस एजुकेटेड और केपेबल। तो इस फिल्म में यही दिखाया है कि एंड सो बोथ अदिति राव हैदरी एंड कोंकणा सेन शर्मा स्टार्ट्स टू फॉर्म अ गुड फ्रेंडशिप, बट होता ही है कि वंस अदिति राव हैदरी कम्स टू नो कि कोंकणा सेन शर्मा की कास्ट के बारे में, सो शी स्टार्ट्स टू ड्रिफ्ट अपार्ट। ओके, आई जस्ट हैव टू कम बैक, आई कांट डू इट।
सो वंस अदिरा हैदरी गॉट टू नो अबाउट कोंकणा नितिन शर्मा का शी यू नो स्टार्ट्स पुलिंग बैक फ्रॉम द रिलेशनशिप एंड दैट्स व्हेन कोंकणा नितिन शर्मा डिसाइड मुझे कुछ करना चाहिए इस बारे में. सो व्हाट शी डज इज दैट वंस कंफ्यूज्ड अदिरा हैदरी कम्स टू यू नो कोंकणा नितिन शर्मा फॉर एडवाइस. तो आप देखोगे फिल्म में क्या दिखाई कि मतलब एक तो वो पुश बैक भी कर रही है, येट शी वॉन्ट्स अ फ्रेंडशिप, येट शी वॉन्ट्स समथिंग फ्रॉम हर. यू नो हम लोग इसको कह सकते हैं इमटीरियल देवर चाहती है वो कोंकणा नितिन शर्मा. मतलब कोंकणा शर्मा बहुत स्लाइली उसको मैनिपुलेट कर देती है, उसे ये कहती है कि अच्छा तुम ना मदर बन जाना चाहिए, तुम्हारी लाइफ में और कुछ है नहीं. तो शी गोज एंड बिकम्स अ मदर वाइल कोंकणा नितिन शर्मा डज हर जॉब. Does her job, Aditya Rao had this job. And soon after the boss realizes that, you know, ki Konkana Sen Sharma is a very capable person. She can do this job much better than Aditya Rao Hedri. So he gives her the job permanently and what the film is about. She tries to push back by manipulation. चौथी स्टोरी है वो भी आप देखोगे कि इवन दो इट्स बिटवीन द डेफ आर्टिस्ट एंड शेफाली शाह हुज डॉटर इज गोइंग डेफ. सो दे बोथ कम क्लोज टुगेदर बिकॉज शेफाली शाह इज हैविंग ट्रबल एट हर होम. सो शी हैज एन अफेयर विद दिस गाय मानव कॉल. ये भी दिखाई कि यू नो कि कैसे एक एक यू नो कि एक्सपेक्टेशन कितने लेवल पर होते हैं कि आप एक बहुत ही लविंग रिलेशनशिप में, बट इसमें भी एक्सपेक्टेशन है, एक तरह से डोमिनेशन है कि यू नो कि ही इज समबडी हु इज एन आर्टिस्ट और वो एक साइन लैंग्वेज सीखते हैं. सो व्हाट शी डज शेफाली शाह शी कम शी अब्जॉर्ब्स एवरीथिंग थ्रू हिज आर्ट. यू नो शी मेक्स हिम फील लाइक यू नो कि एंड शी लर्न्स एक्चुअली द साइन लैंग्वेज फ्रॉम हिम. शी लर्न साइन लैंग्वेज फ्रॉम हिम एंड देन बिकॉज हर डॉटर इज ऑल्सो गोइंग डेफ सो शी प्रैक्टिस विद हिम एंड देन यू नो इन द एंड उसकी फैमिली उसे लगता है स्पॉट पर उसको डम कर देती है. सो इसमें बेसिकली वो पुश बैक नहीं कर पाता. सो दैट इज हाउ दिस फिल्म इज अबाउट. दिस फिल्म इज अबाउट पावर रिलेशन बिटवीन द टू पीपल एंड हाउ द डोमिनेशन हैपन्स फ्रॉम द पावरफुल टू द समबडी हु हैज लेस पावर एंड हाउ द समबडी हु हैज लेस पावर फाइनली पुशेस बैक. नॉट इन एवरी केस अपेरेंटली. ओके तो दैट्स अ वीडियो गाइज. थैंक्स फॉर वॉचिंग. सब्सक्राइब करो यार. ठीक है चलो बाय बाय एंड सेफ रहो अपने घर पे. ठीक है बाय बाय.